राधे, मैं श्री राम वृंदावन से पंडित भगवत स्वरूप गौतम, एक बहुत ही सुंदर विचार मेरे अभी बैठे बैठे समय पर आया। मैं वैसे मीडिया से बिलोंग करता हूँ, प्रगति मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं पत्रकार भी हूँ। वृंदावन क्या मेरा ऑल इंडिया को मैं कवर करता हूँ, मैं अपनी मीडिया को जो भी सूचना होती है वो मीडिया के माध्यम से सब जगह मैं दे रहा हूँ। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि 22 मार्च से जो हमारे एक भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक लॉकडाउन प्रारंभ किया, क्योंकि एक वायरस कोरोना वायरस जो चाइना से निकल करके आज पूरे विश्व में फैला हुआ है और ये इतनी घातक बीमारी जो दिखती नहीं है, जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है, कितने लोग मर चुके हैं अभी इस बीमारी से, लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये देखा कि ये जितनी हम दूरी बनाएंगे लोगों से उतने में ही इससे हमको बचाव मिल सकता है। तो सरकार ने एक निश्चित समय तक ही लॉकडाउन रख सकती है, धीरे धीरे लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा। सरकार इसमें ज़्यादा सख्ती नहीं दिखा पाएगी। सरकार ने आपको कोरोना बीमारी से लड़ने का एक रास्ता दिखाया है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन इत्यादि सब समझा दिया। करीब 2 महीने तक आपको इसके बारे में सरकार ने बतलाया कि हमको इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या तरीका अपनाना है। अब जो समझदार हैं वो आगे लंबे समय तक अपनी इसी दिनचर्या को चालू रखेंगे, अपना तरीका को अपना करके रखेंगे। सरकार 24 घंटे 365 दिन आपकी चौकीदारी नहीं कर सकती है और न कर सकेगी। इलाज भी का खर्च भी अब आपको अपने से ही कराना पड़ेगा। अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव जो बीमारी मिल रही है उसका सरकार अपने स्तर से खर्च करके आपको इलाज करा रही है, परंतु जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और ये बीमारी जब आपको मिलेगी, आपको अपने से ही आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा। उसमें भी डॉक्टर करेगा या न करेगा वो डॉक्टर के ऊपर में भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी अभी तक कोई दवा नहीं मिली है। आपको और आपके परिवार का भविष्य आपके हाथ में है। सरकार अब कब तक लॉकडाउन रखेगी, कब तक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाएगी? अब हमें स्वयं इस वायरस से लड़ना है, अपनी जीवन शैली में बदलाव रखना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके हम सैकड़ों साल पुरानी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। शुद्ध आहार लें, शुद्ध मसाले खाएं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, काली मिर्च, लौंग आदि पर निर्भर हों, एंटीबायोटिक्स के चंगुल से खुद को आज़ाद करें। अपने भोजन में पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ानी होगी। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक को भूल जाइए। अपने बर्तनों का भी बदलाव आपको करना पड़ेगा। एल्युमिनियम, स्टील, इसको आपको छोड़ करके जैसे कि पीतल, कांसा, तांबा जो हमारे पूर्वज अपनाते थे वो आपको अपनाना होगा, जो प्राकृतिक रूप से वायरस को भी खत्म करता है। अपने आहार में दूध, घी, दही मात्रा अपनाएं। भूल जाइए जीभ का स्वाद, तला भुना मसालेदार, होटल वाला कचरा। कम से कम अगले 7-8 महीनों तक ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। और जो नहीं बदलेंगे वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस बात को मैं मानकर इन पर अमल करना शुरू कर दें। जिंदगी आपकी, फैसला आपका है। ये एक मेरे विचार में बैठे बैठे ही इसी तरीके का एक संबोधन आया, जनता को अवगत कराना चाह रहा हूँ। मैं अपने श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासी भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरी माताएं है, मेरी बहनें हैं, आप जैसा कि हमारे सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया कि किस लिए कि आप इस बीमारी को लड़ने का एक रास्ता उन्होंने दिखलाया है, उसी रास्ते के द्वारा आपको कम से कम 7-8-9 महीने तक आपको यही हिसाब से आपको अपने जीवन को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने शरीर को बचाना है, अपने धन को बचाना है। बोलो राधे राधे, जय श्री राम।